हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कल सुप्रीम कोर्ट में यानी कि 25 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेस की एक बेंच थी जिसमें क्रिमिनल केसेस से रिलेटेड मामले सुने जा रहे थे। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को भी समन किया था कि आप बताइए कि आपके यहाँ जो ये जो केसेस हैं एमपी और एमएलए से रिलेटेड, किस तरीके से आप उसको डील कर रहे हैं। तो अब हमारे ये थोड़े इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि हम ये देखें कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया या फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया, ये हमारे लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है जानना। तो ये हमारे जीएस पेपर सेकंड के लिए काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इवन इंटरव्यूज वगैरह के लिए भी काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का 3 जजेस का ये बेंच था, 3 जजेस थे इस बेंच में। तो इस बेंच ने ये ऑब्जर्व किया कि जितने भी प्रोब एजेंसीज हैं लाइक सीबीआई हो गई, सीबीआई के अलावे ईडी वगैरह हो गए, इन सबके पास क्या है कि मैन पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। ओके, और इनकी तरह जुडिशियरी का भी यही हाल है। तो जुडिशियरी के पास भी मैन पावर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, और जिसकी वजह से क्या है कि ये जो केसेस हैं ये काफी ओवर बर्डन हो चुके हैं, बहुत ज्यादा केसेस हो गए हैं जिनको निपटान करना ये काफी आसान नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक कमिटी भी बनाई थी, कमिटी जो कि कोर्ट की एमिकस क्यूरी कमेटी थी, सीनियर एडवोकेट थे जिसके अंडर में ये कमेटी बनाई गई थी। तो इस कमेटी ने जो रिपोर्ट दी, इसमें कुछ डेटास के बारे में बताया गया, ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस कमेटी की रिपोर्ट में ये कहा गया कि अभी जो सिटिंग एमएलए एमपीस की बात हो रही है, तो इसमें 51 एमपीस और 71 एमएलए ऐसे हैं जो कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत इनको एक्यूज बनाया गया है। यू नो, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है ये मेनली इसमें वैसे पैसे जो आपको टैक्स हेवन कंट्रीज में रखे जाते हैं या फिर हवाला के थ्रू जिनको सर्कुलेट किया जाता है, टेरर फाइनेंस में यूज किया जाता है। ओके, तो ऐसे मामले जो होते हैं मनी लॉन्ड्रिंग में दर्ज होते हैं। तो इसके तहत 51 सिटिंग एमपीस और 71 एमएलए जो है ये इसके अंडर में आते हैं, इनके एक्यूज बनाया गया है। इसके अलावा ये भी कहा गया कि करीब 121 केसेस ऐसे हैं एमपी एमएलए के जो कि सीबीआई कोर्ट के सामने पेंडिंग पड़े हैं, वे ट्रायल स्टेज में है अभी इस कोर्ट के सामने ये पेंडिंग है। कितने केसेस? 121 केसेस, जिसमें से 58 केसेस ऐसे हैं जिनमें एक्यूज्ड को लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा हो सकती है, आजीवन कारावास का हो सकता है सजा, लेकिन सारे केसेस अभी पेंडिंग में हैं। साथ ही साथ 45 केसेस ऐसे हैं जिनमें जो ऑफेंसेस है बहुत साल पहले हो चुका है, ऑफेंस किया जा चुका है, लेकिन अभी तक इसमें चार्जशीट फ्रेम ही नहीं हुआ। 45 ऐसे केसेस होते हैं। ओके, इस कमेटी का कहना है। साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया कि 37 केसेस जो है सीबीआई के पास इन लेजिस्लेटर्स के अगेंस्ट में, एमपी एमएलएस के अगेंस्ट में, वर कंटिन्यूइंग दिस स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन फॉर इयर्स ऑन एंड नाउ। यानी कि 37 केसेस ऐसे हैं जिनमें अभी इन्वेस्टिगेशन ही चल रहा है सीबीआई के द्वारा, और इसमें कई साल हो गए सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करते हुए। अगर हम सीबीआई की माने तो इसमें कुछ केसेस ऐसे भी हैं जिनको कंप्लीटली खत्म करने में, सोल्यूशन लेने में करीब 2030 तक इसका सोल्यूशन होगा। यानी खुद सोचिए, अभी तो 2021 चल रहा है और इनके हिसाब से अभी 2030 में खत्म होगा। ऑलरेडी पिछले साल, पिछले सालों में कितने समय से चलते आ रहे हैं। तो ये कुछ डेटा यहाँ पर प्रोवाइड की गई इस कमिटी के द्वारा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर कुछ डायरेक्टिव के लिए भी प्लिया दिया आपको दिया गया है। तो यहाँ पर जो सोलिसिटर जनरल हैं, उनका ये कहना था कि बेंच टू पास अ जुडिशियल ऑर्डर डायरेक्टिंग लोअर कोर्ट्स टू कंप्लीट द पेंडिंग ट्रायल प्रोसीडिंग इन अ मैंडेटरी टाइम बाउंड मैनर। तो सोलिसिटर जनरल का ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट यानी कि ये बेंच ये ऑर्डर पास करे कि जो लोअर कोर्ट्स हैं इंक्लूडिंग हाई कोर्ट्स एंड उसके लोअर केसेस, उनके यहाँ जो पेंडिंग ट्रायल्स पड़े हुए हैं उनको टाइम बाउंड मैनर में उसको सॉल्व किया जाए, और पॉसिबली उसको 6 महीने के अंदर में ये कोर्ट्स सॉल्व करें। ओके, साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा, ही सबमिटेड दैट इन सम केसेस हाई कोर्ट्स इंटरवेंड एंड ग्रांटेड स्टे ऑफ द ट्रायल। इन्होंने ये भी कहा सॉलिसिटर जनरल ने कि कुछ केसेस ऐसे भी हैं जिसमें हाई कोर्ट्स क्या करता है, स्टे कर देता है ट्रायल को। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट क्या करे कि इन लोअर कोर्ट्स को ये ऑर्डर दे कि आप एटलीस्ट 6 मंथ के अंदर टाइम बाउंड मैनर में इन सारे केसेस को सॉल्व करें। लेकिन
जो सीजीआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो एग्री नहीं हुए सोलिसिटर जनरल के इस बात से। इनका ये कहना है सीजीआई का कि हाई कोर्ट्स हैव स्टेट ट्रायल इन ओनली 7 केसेस। हम यहाँ पर सिर्फ एमएलए बेस्ड केसेस की बात करें, ध्यान रखिएगा हम नॉर्मल और लोगों की केसेस की बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो हाई कोर्ट्स हैं, ये इतने सारे क्रिमिनल केसेस जो एमपी और एमएलए के अगेंस्ट में है, केवल 7 केसेस में ही उन्होंने स्टे किया है और सुप्रीम कोर्ट ने केवल 1 केस में ही स्टे किया है। तो ये स्टे वाला जो आप बात कह रहे हैं कि लोअर कोर्ट्स केसेस को स्टे कर दे रहे हैं, तो ये तो सही बात नहीं है, ये तो काफी कम है, इतना तो होता रहता है। ओके, तो सीजीआई ने कहा कि एफर्ट शुड बी मेड टू रेशनलाइज द नंबर ऑफ केसेस बिफोर ईच ट्रायल कोर्ट। तो कोई भी केसेस कोर्ट में आने से पहले उसको रेशनलाइज करने की जरूरत है, इन्वेस्टिगेशन थोड़ा उनके करने की जरूरत है कि कितने केसेस जो है वो एलिजिबल है या नहीं। सो जुडिशरी वाज स्लोली बट श्योरली डीलिंग विद द प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी ऑफ जजेस। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना है कि जुडिशरी अपना काम तो कर रही है, बट इट इज फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी ऑफ जजेस। हाई कोर्ट्स की बात करें तो हाई कोर्ट्स में करीब 455 जुडिशियल वैकेंसीज अभी भी है, 1 अगस्त की बात करें, 1 अगस्त 2021 तक हाई कोर्ट्स में 455 अभी जुडिशियल वैकेंसीज है। लोअर कोर्ट्स की बात करें तो लोअर कोर्ट्स के पास भी और सारे काम है, लोअर कोर्ट्स के पास कुछ अर्जेंट केसेस होते हैं जिनमें आपको बेल चाहिए, कस्टडी मैटर्स रिलेटेड होता है, हियर एंड डिसाइड करने का मैटर होता है, तो अब जिसको बेल चाहिए तो उसको तुरंत बेल देना होगा ना। अब कहीं किसी की कस्टडी चाहिए, किसी की जान को खतरा हो सकता है, तो तुरंत उसको कराना पड़ेगा, तो ये सब अर्जेंट केसेस होते हैं जिसमें लोअर कोर्ट्स को जल्दी डील करना होता है, तो फिर ऐसे केसेस में तो लेट होंगे ही, ठीक। तो अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की ने ये सारी बातें सोलिसिटर जनरल के बात के अगेंस्ट में कही। अब यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही कि अब हमें क्या करना चाहिए एक्चुअली में इस समस्या को निदान पाने के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेड अ मैकेनिज्म वुड बी पुट इन अ प्लेस सून टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ क्रिमिनल ट्रायल्स इन्वॉल्विंग लेजिस्लेटर सूम्स। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर कुछ ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए ताकि ये जो क्रिमिनल ट्रायल्स होते हैं एमपी और एमएलएस के अगेंस्ट में, इनको मॉनिटर करने के लिए कुछ व्यवस्था हो, इंक्लूडिंग स्पेशल कोर्ट्स, यानी कि स्पेशल कोर्ट की भी व्यवस्था होनी चाहिए इन क्रिमिनल केसेस को डील करने के लिए। ओके, साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया कि क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट एमपी एंड एमएलएस कुड बी विथड्रॉन ओनली आफ्टर गेटिंग द कंसेंट ऑफ हाई कोर्ट कंसर्न। ऐसा क्यों कहा सुप्रीम कोर्ट में? देखिए, एक सेक्शन है सीआरपीसी का, सेक्शन है 321। इसमें ये कहा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे, ओके, तो वो जो केसेस होते हैं एमएलए एमपी के अगेंस्ट में, उसको वो वापस ले सकती है। ओके, तो अब यहां पर क्या हो गया है कि वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स जो है वो क्या करती है कि इस सेक्शन का यूज करके, सीआरपीसी के 321 सेक्शन का यूज करके बहुत सारे एमपी एमएलए के अगेंस्ट जो केसेस होती है उनको वापस ले लेती है, ठीक। अब इससे ये तो पॉलिटिकल मुद्दा है ना भाई, जिस पार्टी की सरकार है वो उस पार्टी के एपी एमपी एमएलए के अगेंस्ट अगर कोई केस होगा तो वो वापस ले लेंगे। तो ये क्या होता है, इस सेक्शन के अंडर में ये ले लिया जाता है वापस। अब सुप्रीम कोर्ट का कहना ये है, ये जो स्टेट गवर्नमेंट्स इस सेक्शन के यूज करके ये क्रिमिनल केसेस वापस ले लेती हैं, तो यहाँ पर उन स्टेट गवर्नमेंट्स को उस कंसर्न हाईकोर्ट से परमिशन लेना चाहिए कि अगर हाईकोर्ट अपना कंसेंट देता है कि ठीक है आप केसेस वापस ले सकते हैं, तो ही आप वापस लीजिए, अपने मन से आप वापस नहीं लीजिए। तो यहाँ पर ये जो पावर दिया गया इस सेक्शन के अंडर में, इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी विच टू बी यूटिलाइज्ड इन पब्लिक इंटरेस्ट एंड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर एक्सट्रेनस एंड पॉलिटिकल कंसिडरेशंस। लेकिन ये जो केसेस वापस लिए जाते हैं ये टोटली एंड टोटली पॉलिटिकल कंसिडरेशन होता है, जिसकी पार्टी की सरकार उसके एमपी एमएलए पर कोई केस नहीं होगा, या जो पहले से लगा हुआ है वो वापस हो जाए। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कृपया करके इसे पब्लिक इंटरेस्ट में आप लें, अदरवाइज पॉलिटिकल कंसिडरेशन को मैटर में ध्यान में रखते हुए अपना ले इस चीज को, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा कुछ यहाँ पर बातें की गई हैं, कुछ डेटा उस कमिटी के द्वारा प्रोवाइड की गई, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सोलिसिटर जनरल के अगेंस्ट में बातें कही, कुछ यहाँ पर मैकेनिज्म भी यहाँ पर दिया है। तो यहाँ पर कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट मिल जाते हैं आपको, मॉनिटर की बात रहती है, सीआरपीसी का सेक्शन 321 काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ सुप्रीम में भी एप्लीकेशन बन सकता है, ध्यान रखिएगा। तो अगस्त रिलेटेड तो करंट अफेयर्स आ ही सकते हैं आपके अक्टूबर फिल्म्स में, ये भी आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल था ये, इसको जीएस पेपर 2 या फिल्म्स के लिए भी आप कंसीडर कर सकते हैं। ओके, चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड लक।